श्रीमन नारायण गुरु जी जी। गुरु जी, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपके कारण वृंदावन में वास कर रही हूँ। अभी मेरा ये प्रश्न है कि पितृपक्ष होने वाली है, तो मैं छोटे मतलब कि बहू हूँ, छोटी बहू हूँ। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं रहे और बहुत दिन, काफ़ी दिन मेरे शादी से पहले ही गुजर गए, तो क्या मैं गया श्राद्ध कर सकती हूँ? लेकिन मेरी माँ और पिताजी हैं। आपके माता हैं, पिता हैं? हाँ, मेरे ससुर और सास नहीं है। सास ससुर नहीं है। आपके पति? तो हाँ। पति आपके करें ना, आपके सास ससुर का श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान ये सब कर सकते हैं। तो मेरे भी जाना जरूरी है वहाँ पे? है? मेरा गया जाना जरूरी ना, है? ना, आपका जाना जरूरी नहीं है। जब आपके पति हैं तो वो जाएं, वो करें। वो ना होते तो फिर आप जाते, तो वो हैं। जब पुरुष वर्ग है तो जाए। जैसे किसी बाप की केवल बेटी है, उसका बेटा नहीं है, तो एक बेटी गया जी जाके अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। नहीं, जैसे पंडित ने बोला कि आपको साथ में जाना जरूरी है, आप जाना चाहें जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई है? दिक्कत नहीं, अच्छा है। वो भी एक यज्ञ है, पति पत्नी साथ में कर सकते हैं जी। साथ में जाइए, बहुत अच्छा है। मथुरा में गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ के पंडित ने बोला कि अगर आप अभी गया श्राद्ध करोगे, वो तो लास्ट में होता है, अगर अभी आप गया श्राद्ध करोगे तो कोई शुभ कार्य आपके हाथों से नहीं होगा, हाथ खंडित हो जाती है। ऐसा नाना ऐसा नहीं है, किसी ने गलत जानकारी दे दी। श्राद्ध तो सबको करना चाहिए जी, श्राद्ध कर्म तो सबको करना ही चाहिए, अपने माता पिता के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं वृंदावन में रहती हूँ, आप कहते हो गुरु की आलोचना किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, और आप मेरे गुरु हैं, तो किसी के मुँह से मैं कुछ सुन लेती हूँ तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या सुन लेते हैं, क्या कहते हैं लोग? कुछ भी कहते हैं तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? कोई अपराध नहीं है। लोगों का काम है आलोचना करना, तो किस तरह की बातें आलोचना करते हैं? कहते हैं जैसे वृद्ध माता रहती हैं, तो वो मतलब गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को पैसे देते हैं, और भी तो बहुत मतलब कि रोडों पे रहती हैं माताएं, तो सबको क्या हाँ ले आते हैं। मैं बोलती हूँ उनसे, बोल दिया करो कि जाके आप पूछ लो किसी वृद्ध माँ से कि उन्होंने कितना पैसा दिया है, पूछ लें वो आके। वो आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जाके वृद्ध माओं से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने पैसा दिया क्या। हमें तो आप सब भक्त देते हैं, उसी से होता है। वृद्ध माओं का केवल आशीर्वाद लेते हैं, पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लोगों को तो बोलना है। क्या है हमारे देश में समस्या, क्या है? एक तो लोगों को कुछ करना नहीं है जी, है ना, और जो कुछ करेगा तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना है। खुद तो कामयाब होना नहीं है, और दूसरों की कामयाबी को देख करके सिर्फ ईर्ष्या करना है जी। बस यही है, द्वेष, नफरत, घृणा, कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है तो साथ देने की बजाय उसे गलत साबित करने की मैं कोशिश तो बोलती हूँ कि गुरुजी तो मांग के सब कुछ कर ही रहे हैं, तो उसमें यहाँ पूरा गौरी गोपाल खुला है। देखिए, यहाँ कहीं भी दरवाजे नहीं लगे, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है जी, कहीं दरवाजे नहीं है। यहाँ पूरा गौरी गोपाल देख लीजिए, हर जगह के दरवाजे खुले नजर आएंगे आपको, कहे चाहे जब आओ। तो यहाँ खुली किताब है, खुद आओ, खुद देखो, खुद पूछो। मैं गलत कह सकता हूँ ना, आप खुद पूछ के देखो। गुरुजी, गया श्राद्ध करने के बाद मुझे फिर क्या करना होगा घर आके? पूजा पाठ करते रहिए जो करते हैं। सत्यनारायण प्रभु का पूजा? हाँ, कोई भी पूजा जो भी आप अच्छी जी। प्रणाम। मंत्र का जाप करिएगा।